लोहाघाट के एनएच में खटीमा से पिथौरागढ़ जा रही पिकअप संख्या UK06CB5902 रविवार देर रात 11 से 12 बजे के बीच घाट पोस्ट ऑफिस के पास अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें चंचल सिंह सन ऑफ खड़क सिंह निवासी जखोली डीडीहाट की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर लोहाघाट में फायर रेस्क्यू टीम को पुलिस घटनास्थल पर जो है पहुंची और दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को खाई से बाहर निकाला। लोहाघाट थाने के SO जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि दुर्घटना में केदार सिंह व दीवान सिंह धामी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय पहुँचाया गया। चंचल सिंह की मौके पर मौत हो गई थी। SO चौहान ने बताया कि सोमवार को मृतक चंचल सिंह का पंचनामा भरकर लोहाघाट में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी जा रही है। दुर्घटनाओं के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हमारे कांस्टेबल द्वारा सूचना दी कि वहां नेशनल हाईवे से पिकअप वाहन जो है खाई में गिर गया है, जिसमें 3 लोग सवार थे। उनका हमारे आपदा दल द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिसमें से मौके पर ही एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई है। 2 घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद, क्योंकि वहीं से एम्बुलेंस आई थी, वहां भिजवा दिया गया। सर, दुर्घटना के कारणों का कुछ पता चल पाया? अभी दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये घटना रात बिरात की है, तो अभी इस संबंध में जांच। और PM की कार्रवाई सर? और जो मृतक है उसके शव को यहाँ ले आए थे मॉर्चरी में लोहाघाट, और आज जो है उसके पंचनामे में कार्रवाई चल रही है।